हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएच बी गेमर। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट और मेरे सामने वाले हैं कुछ खतरनाक पार्कोर। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि क्या मैं इन पार्कोर को कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। वीडियो के अंत तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। और अगर गाइस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि गाइस आप लोग का एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करता है ऐसी और मजेदार वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस पार्कोर। तो गाइस मेरे सामने आ गया स्टार्ट का बटन, स्टार्ट का बटन दबाते हैं हम गाइस पार्कोर में पहुंच जाएंगे। और गाइस हम ऊपर में पहुंच चुके हैं, हम नीचे गिरते हुए जा रहे हैं। पहला पार्कोर देख सकते हैं गाइस, कितना सारा पार्कोर। और फाइनली गाइस मेरी सेफ लैंडिंग हो चुकी है इस पहले वाले पार्कोर में। तो मेरे सामने रखे गाइस कुछ ब्लॉक्स और मुझे लगता है गाइस उस ब्लॉक के सारे ही मुझे इस पार्कोर को कंप्लीट करना है। और गाइस मैं स्लैब के सामने आ चुका हूं। अब गाइस स्लैब के सामने से मुझे सामने वाले ब्लॉक में जंप करना है, फिर गाइस यहां से मुझे शायद उस पेड़ में जंप करना है। मैंने जंप कर लिया गाइस, मेरे सामने गाइस चेक पॉइंट मिल चुका है सेकंड लेवल का। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं लेवल सेकंड की तरफ। और लेवल सेकंड में आकर मैंने चेक पॉइंट ले लिया गाइस। अगर मैं यहां से मरा भी तो मैं यहां रिस्पॉन हो जाऊंगा। मेरे सामने वाले ब्लॉक में जंप कर लिया गाइस और सामने और ब्लॉक उसमें भी जंप कर लेता हूं। मुझे सिंपली ब्लॉक में जंप करते हुए जाना है और मैं थर्ड लेवल में भी पहुंचू। तो गाइस थर्ड लेवल में यहाँ पर मेरे पास सामने एक अंडरग्राउंड रास्ता है, मैं नीचे आ चुका हूँ गाइस। सामने कुछ स्लैब नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ पर जंप करके पहले पहुंच जाता हूँ। अब स्लैब के बाद गाइस मैं डायरेक्ट इस पेड़ ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो गाइस आसानी से मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ चुका हूँ, लेकिन गाइस मुझे अब समझ नहीं रहा कि मैं किस तरफ जाऊँ। मेरे सामने कारपेट तो नजर आ रहा है गाइस, क्या पता उसके नीचे स्लाइम हो। मैं पहले जंप करके देखता हूँ गाइस क्या उसके नीचे स्लाइम है। ये मैंने जंप और गाइस हाँ इसके नीचे स्लाइम था, मैं ऊपर चौथे लेवल में आ चुका हूँ। तो गाइस चौथे लेवल में मुझे बहुत आसान लग रहा है, मुझे सामने वाले ब्लॉक में जंप करना है। उसके बाद गाइस मुझे आधे पेड़ में जंप करना है, उसके बाद गाइस इसके साइड में एक और ब्लॉक है उसमें जंप करना है। फिर गाइस इसमें जंप करने के बाद आगे सामने चेक पॉइंट आ जाएगा, फिर मैं पांच लेवल में आसानी से पहुंच जाऊंगा। मैंने चौथे लेवल क्लियर कर लिया है, अब आ चुका हूँ पांचवें स्टेज में और मुझे सामने जंप करना है। और गाइस यहाँ पर जंप करते हुए मैं गिर चुका हूँ। अब गाइस मुझे रिटर्न जाना होगा सीढ़ी चढ़ते हुए, लेकिन गाइस यहाँ पर कुछ ब्लॉक है, यहाँ पर स्लाइम का ब्लॉक है गाइस। अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है इस लेवल में गाइस, पहले हम जाके ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे इसके लेवल हमें जरूरत कब पड़ेगी। तो यहाँ पर माना मैंने एक जंप, उसके बाद गाइस अगले ब्लॉक में भी एक जंप, उसके बाद गाइस मुझे और ब्लॉक नजर आ रहा है उसमें भी जंप मार के देखते हैं। यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ, सामने एक और रास्ता नजर आ रहा है गाइस उसमें भी जंप मार देते हैं। और ये क्या गाइस मैं लेवल 6 में पहुंच चुका। तो मुझे लगता है गाइस कि लेवल 5 में स्लाइम का कोई काम नहीं था। और गाइस अब हम पहुंच चुके लेवल 6 में। यहाँ गाइस मुझे आयरन कोल और बाकी बहुत सारे और नजर आ रहे हैं, मुझे गाइस यहाँ जंप करते हुए जाना है। मुझे लगता है गाइस कि मैं लेवल 6 के पार्कोर को भी आसानी से कंप्लीट कर दूंगा। ये मैंने एक और जंप गाइस मैं सामने की तरफ जंप कर रखता हूँ, उसके बाद गाइस मुझे दो ब्लॉक में और जंप करना है। ये जंप हो गया गाइस स्पीड में, तो ये एक और जंप और मैं पहुंच चुका हूँ लेवल 7 में गाइस आसानी से। अब गाइस मुझे देखकर लग रहा है लेवल 7 थोड़ा हार्ड होने वाला है, तो देखते हैं गाइस हम कितना जल्दी इस लेवल 7 को पार कर पाते हैं। तो हर बार की तरह पहले माना मैंने जंप, अब मुझे कुछ सीढ़ी नजर आ रही है गाइस। अब मुझे देखना है मुझे यहाँ से जाना कहाँ है, मुझे कुछ कारपेट तो नजर आ रहा है, क्या पता वहाँ स्लाइम में, पहले जंप करके देखते हैं। अब यहाँ जंप करने के बाद मैं ऊपर आ चुका हूँ, अब मुझे कुछ स्लैब नजर आ रहा है, मुझे लगता है मुझे वहाँ जाना है। अब देखते हैं गाइस यहाँ पर तो दो रास्ते हैं, मुझे नीचे जाना है ऊपर। मैं पहले ऊपर जाके देखता हूँ गाइस, अगर ऊपर से नहीं पहुंच पाया तो हम नीचे को ट्राई करेंगे। तो मैं पहले ऊपर चढ़ जाता हूँ, ऊपर चढ़ने के बाद मुझे कुछ लकड़ी के ब्लॉक नजर आ रहे हैं, मुझे उसमें जंप करना है, मैं यहाँ पर जंप कर लेता हूँ। तो गाइस मुझे यहाँ से सामने सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है, मुझे लॉन्ग जंप करना है, मैं जंप करके यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। और आप लोग देख सकते हैं गाइस कि सामने आठवें लेवल का चेक पॉइंट आ चुका है। ये हमारी मैंने एक और जंप किया, लेकिन गाइस मैं तो नीचे गिर चुका हूँ। अब गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे जाना किधर से, तो लगता है गाइस हमें इस लेवल को फिर से स्टार्ट करके फिर से खेलना होगा। तो थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद गाइस मुझे रास्ता नजर आ चुका है, यहाँ पर कुछ ब्लॉक रखे हुए थे, हमें उसे जंप करते हुए जाना है। और देख सकते हैं गाइस आप कि मैं लेवल 8 में आ चुका हूँ, लेवल 8 का चेक पॉइंट मैंने ले लिया है। अब मुझे गाइस हर बार की तरह सामने वाले ब्लॉक में जंप करते हुए जाना है। ये हमारी मैंने जंप, एक और जंप गाइस, और ये एक और जंप, तीसरे जंप में पहुंच चुका हूँ। मुझे गाइस क्या बाहर जा सकता हूँ, नहीं यहाँ पर बैरियर ब्लॉक लगे हैं, मैं बाहर तो नहीं जा सकता। मुझे नीचे कारपेट नजर आ रहे हैं, लगता है गाइस उसके नीचे स्लाइम होगा, ताकि मैं वहाँ से जंप करके वुड वाले जगह में पहुंच जाऊँ। अब मैं जंप करके देखता हूँ गाइस, ये हमारी मैंने जंप और यहाँ गाइस मैं यहाँ तो पहुंच चुका हूँ। लेवल 9 का चेक पॉइंट मैंने ले लिया है, ये 9 लेवल गाइस, उसका 10 फिर हमारा गोल कंप्लीट हो जाएगा। और अगर गाइस आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर दो, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियो चैनल पर लाते रहता हूँ। तो 9वां लेवल गाइस एक मेज की तरह है, यहाँ पर गाइस मुझे रास्ता ढूंढना है, बहुत सारे रास्ते हैं गाइस, उसमें से हमें करेक्ट रास्ता ढूंढना है ताकि हम बाहर निकल सके। तो गाइस हम पहले सीधा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो रास्ता ब्लॉक है, एक साइड रास्ता मुझे नजर आ रहा है गाइस, यहाँ पर सीढ़ी है, मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। अब गाइस मुझे ऊपर से ही लेवल को पार करना लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ब्लॉक की कमी है, हमें देख के चलना होगा ना गाइस हम इस ब्लॉक से नीचे गिर जाएंगे। तो थोड़ी देर तक मेहनत करने के बाद गाइस फाइनली मुझे रास्ता नजर आ चुका है, मुझे यहाँ पर लेवल 10 का लोगो दिख चुका है, मुझे नीचे जंप करना गाइस, मुझे चेक पॉइंट भी मिल चुका है, मैं लेवल 10 में आसानी से पहुंच चुका हूँ। तो गाइस मुझे लेवल 10 को आराम से खेलना होगा गाइस, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लावा है। और गाइस मैं आपको बोल ही रहा था मुझे आराम से खेलना होगा, यहाँ पर गाइस मैं लावा में आके गिर चुका हूँ। तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं गाइस, क्योंकि मैंने चेक पॉइंट ले लिया था, तो अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन फिर से हो जाऊंगा। तो एक बार फिर से रिस्पॉन होने का गाइस मुझे यहाँ पर जंप करते हुए तीनों ब्लॉक को एक साथ पार कर लिया है। अब मुझे गाइस सामने वाले ब्लॉक में जंप करना और ध्यान रखना होगा इसकी, कहीं मैं लावा में गिर ना जाऊँ। तो गाइस मैं इस तरफ आ चुका हूँ, अब गाइस मुझे यहाँ पर सीढ़ियाँ नजर आ रही, मुझे ऊपर जाना है। अब गाइस यहाँ पर मुझे कुछ रास्ते नजर आ रहे हैं, मुझे शायद वहाँ जंप करना गाइस। ये हमारी मैंने पहले जंप पहुंच चुका हूँ, ये हमारी मैंने दूसरी जंप गाइस सामने वाले ब्लॉक में पहुंच चुका हूँ। और आप लोग देख सकते हैं गाइस मैंने कंप्लीट कर लिया, मैं 11वें लेवल में आ चुका हूँ। तो गाइस मैंने लेवल 1 से लेकर 10 तक के सारे पार्कोर को कंप्लीट कर लिया है। और अगर गाइस आपको पार्कोर की और इस वीडियो चाहिए तो मुझे
कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर से बताओ। और गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी और जरूर सेट करो ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि गैस आप लोग का एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है इसी और मजेदार वीडियो बनाने के लिए। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही गैस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।